शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस खूबसूरत महफिल का एहतमाम किया। बतौर मेहमान उन्होंने हम कसगुम्मा वालों को और कलरी वालों को कलरी के इस मुकाम पे मदो किया। सबसे पहले मैं मेरे मोहतरम भाई चौधरी अनवारुल हक वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर और उनके हमरा आए हुए तमाम मेंबरान आज़ाद जम्मू कश्मीर कैबिनेट, आप सबका शुक्रिया अदा भी करता हूँ और आपको हमारी कलरी की सरजमीन पर खुश आमदेद करता हूँ। मैं किसी किस्म की आज कोई ऐसी मनफी बात या कोई डिमांड या कोई सफासनामा से चौधरी साहब ने मना कर दिया तो हम कोई ऐसी गुफ्तगू आज यहाँ पे हमारे मेहमान आए हमारे घर के अंदर हर घर में सके भाइयों के दरमियान भी इख्तलाफात होते हैं। पिछले चंद सालों में मेरे और अनवार साहब के मामेन भी कुछ जो है वो ऐसे चीज़ों ने जन्म लिया, लेकिन मैं अपने भाइयों और अजीजों बुजुर्गों मैं आप लोगों को ये बात बता देना चाहता हूँ कि मेरे बुजुर्ग मोहतरम राजा जुलकरनैन खान और अल्लाह पाक चौधरी सुबह अली साहब को जन्नत फरदौस में जगह अता फरमाए, इस सफर का आगाज इस इत्तेहाद का आगाज ये अली जुलकरनैन और अनवारुल हक ने नहीं किया था, ये हमारे दो बुजुर्ग उन्होंने इस बुनियाद ये जो इत्तेहाद है इसकी बुनियाद रखी थी। 2001 से लेके आज हम 2024 में खड़े हैं, इलेक्शन के 5 अदवार जो है उनमें से हम इकट्ठे जो है गुजरे, कुछ इलेक्शन हम जीते कुछ इलेक्शन हम हारे। आपको अगर मैं 2006 का इलेक्शन याद कराऊं तो वो एक मेंबर की तारीख में एक तारीखी इलेक्शन था। जिन हालात में हमने वो इलेक्शन जीता एलियाने मेंबर जितने भी यूनियन काउंसिल है मेंबर की, मैं आप सब लोगों को चाहे जिस कबीले से भी आप लोगों का ताल्लुक है, मैं आपके जितने इलेक्शंस में आपने हमारे बुजुर्गों की हमारी लज पाली हमारे बुजुर्गों का एहतराम किया उनके बच्चों का अनवारुल हक साहब का मेरा आप लोगों ने भरम रखा, मैं आप लोगों को सबको खराज तहसीन पेशता हूँ और दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूँ। मैं बात लंबी नहीं करूंगा, सब वजीरों ने थोड़ी थोड़ी बात करनी है, मुझे पाबंदी है कुछ चीजें मैं आज यहाँ पे हमारे शायान शान मेंबर वालों के शायान शान नहीं है कि हमारे घर की बातें जो भी हमारे आपस में मामलाते हैं इंशाअल्लाह ताला मेरे में और अनवारुल हक में अल्लाह पाक ने इतनी काबिलियत और अहलियत दी है कि हम दोनों जो है वो बंद कमरे में बैठ के अपने इंशाअल्लाह ताला सारे मामलात को अच्छी तरीके से सुलझा सकते हैं। मुझे ये बात करनी, अगर मैं ये बात ना करूं एक सिर्फ गिला करूंगा, गिले तो मेरे बहुत सारे हैं, सिर्फ एक गिला करूंगा और वो गिला किसी भी वर्कर के ऊपर, पंजेड़ी वालों के साथ कोई गिला नहीं, गोरनक्के वालों के साथ कोई गिला नहीं। आज कलरी और कसगुम्मा जो कि माजी में एक यूनियन काउंसिल थी, हमने हमेशा इसको आज भी एक यूनियन काउंसिल ही समझा है। मुझे सिर्फ इस बात से इंतहाई दुख हुआ कि कलरी के इस मुकाम पे सारी जिंदगी 2001 से लेके 2021 के इलेक्शन तक 5 इलेक्शन में जब भी कोई इस्तकबाल हुआ तो मेजबानी जो थी वो हमेशा जो है कसगुम्मा और कलरी वालों ने की, लेकिन ये क्या वजह है कि आज हम कसगुम्मे और कलरी वालों को पीछे करके कलरी के मुकाम पर हमें बतौर मेहमान मधु किया गया और मेजबानी का हक हमसे छीन लिया गया। ये भी इसके साथ साथ
बहुत सारी चीजें बल्दियाती इलेक्शन 30 साल के अरसे के बाद हुआ। कुछ तोहफे साहब मेरे थे, कुछ अनवार साहब के थे, बहुत सारे उम्मीदवार मैदान में आ गए, हमारे कई ग्रुप आपस में आमने सामने आ गए। अभी जनरल इलेक्शन को 1.5 साल हुआ था। मैं सिर्फ ये बात बावर करा देना चाहता हूं, आप जितने भी बुजुर्ग इस पंडाल में बैठे हैं, मैंने जिंदगी में कभी मंत्री सियासत नहीं की है, किसी की टांगे नहीं खींची है। हर बंदे को जो इस पंडाल में बैठा भिंबर से ताल्लुक रखता है, खा वो हमारे ग्रुप का है, खा वो हमारे मुखालिफ ग्रुप का है, उसको इस बात का पता है कि मैंने हर बंदे के लिए, चाहे वो अमीर गरीब छोटा बड़ा, सबके लिए जो है मैंने अपने बाजू खोले और हर बंदे को बिस्मिल्लाह वेलकम करके अपने साथ लगाया। इस चीज का फैसला जो वजीर आजम साहब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि 2021 से और 2024 आज है, 3.5 साल का अरसा गुजर गया है। मैं ये बात नहीं करूंगा कि हमें क्या मिला, बेशुमार आपने काम किए और आपका हर काम जो है वो काबिले तारीफ है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा अपने हवाले से कि जो मैंने वादे अपने लोगों से किए थे चौहान साहब, उनके अभी तक हम पास्तु भी नहीं पहुंचे। हमें अपनी सफों में मजीद जो है वो इत्तेफाक की जरूरत है। आप लोगों को, जो लोग भी, मैं किसी का नाम नहीं लेता, जो लोग भी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि अनवार अलख और अली जो है वो आपस में फट जाए, मैं आप लोगों को इस स्टेज की वसादत से, इस पंडाल के इसको गवाह बना के ये वार्निंग देता हूं कि जिस दिन ये इत्तेहाद टूट गया, आप में से एक बंदा भी बीडी नंबर भरने के भी काबिल नहीं होगा। मेरी ये बात ना करना, अगर मैं हमारे सिपा सरारे कलरी, अगर मैं आज इस पुल के इफ्तिताह पे हमारे बुजुर्ग जो है जनरल शेर अफगन साहब, हमारे बड़े भाई, अगर उनका इस पुल के बनने की हवाले से उनकी काविशों का जिक्र ना करूं तो ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अपने भाई जनरल शेर अफगन साहब का और उसके साथ साथ इस पूरी इस कामयाब मंसूबे की तकमील का सेहरा जो है वो अपने भाई चौधरी अनवार अलख को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और अल्लाह पाक से दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक मेरे भाई को इसी तरह काम करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में मैंने बहुत सारी बातें याद की हुई थी, कुछ याद कर दी, कुछ नहीं है। याद रखें कि इत्तेफाक जब तक है इस इत्तेहाद में, उस वक्त तक ये जो डोंके हैं इनकी खूबसूरती जो है वो बहाल है। जिस दिन हम दोनों में एक ना हुआ, उस दिन याद रखिएगा इस चीज की तकलीफ जो है हर भिंबर में बसने वाले हर शख्स को जो है इसकी जो है वो शिद्दत महसूस होगी। लिहाजा आप सब लोग, जिस तरह हम इलेक्शन में सब इकट्ठे थे, मैं आप सब लोगों से ये इल्तमास करता हूं कि आप जो है इस घिनौनी साजिश को नाकाम बनाए। उन सब लोगों की जो इस काविश में मसरूफ हैं, उनको बेनकाब करें, उनको अपने घरों से निकालें। और जो लोग, जितने भी मेरे भाई, जितने भी मेरे बुजुर्ग इस बल्दियाती इलेक्शन की वजह से आज हमारे हमरा नहीं है, आज इस पंडाल में नहीं बैठे हुए, मैं इस स्टेज की वसादत से आज ये ऐलान करता हूं कि मैं सबसे पहले उन लोगों को दोबारा जो है मना के अपने साथ लेके आने का प्रोग्राम कल से इंशाअल्लाह शुरू करूंगा।
मैं ये बात नहीं करना चाहता, मैं कोई गिले गुजारे की बात, मेरा भाई है नवाब, छोटा भी है मेरे से, एमएलए एक ही बनना था, दो नहीं बन सकते थे। एक इलेक्शन चौधरी सौबत अली साहब ने मेहरबानी फरमाई मेरे बुजुर्ग मोहतरम पे 2001 में, अपना हल्का छोड़ के समणी गए। जो बुजुर्गों का फैसला है, हम उनसे बहुत छोटे हैं उम्र में, तजर्बे में, हर तरीके से, वो सही था या गलत था, हमने उसमें अमीन कहा। चौधरी सौबत साहब के लिए भी वो अपनी जिंदगी का आखिरी इलेक्शन जो है वो साबित हुआ। मेरे वालदे मोहतरम ने मुझे ये ताकीद की थी कि जब तक चौधरी सौबत अली की औलाद में से, डिम्बर में से हम जो है वो उनके बेटे को मुंतखब नहीं कराएंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे भाइयों, इस ऐद का जो है, इस वादे की हमने वफा 2006 में, 2011 में, 2016 में मैं मौजूद नहीं था, उस इलेक्शन में हमें फर्क लगा, इसी पंडाल में खड़े होके मैंने ये चैलेंज किया था, जितने पंजेड़ी के इधर कलरी वाले बैठे हैं और साथ बलेका जात देहात में जितने लोग हैं, आपको ये बात याद होगी कि इसी स्टेज पे खड़े होके मैंने ये बात की थी कि मैं 2016 के इलेक्शन को नहीं मानता, 2021 के इलेक्शन का जिस भरपूर तरीके से आप लोगों ने मेरा और चौधरी अनवर अल्हक का साथ दिया, मेरी इंशाअल्लाह ताला आने वाली नस्लें भी जो है आप लोगों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकती है। हमारे कामों के हवाले से जो काम हो गए, तो ऐसा बहुत मेहरबानी, जो रहते हैं मैं उनकी किसी काम का जिक्र नहीं करूंगा, एक काम की सिर्फ बात की कमिटमेंट में आज मैं चौधरी साहब यहां पे खड़ा हुआ हूं, और मैंने हो सकता 100 मेरे पास काम हो जो मेरे नहीं हुए 3.5 साल के अरसे में, लेकिन एक आपसे कमिटमेंट ली है और वो कलवी की सब डिवीजन के लिए मैंने आपसे बात की है, और आपने आगे से जो भी हमारा वक्त था, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें बहुत जो है वो हौसला अफजा जो है वो जवाब दिया, और जिसकी वजह से मैं इंशाअल्लाह आज इस आपके सामने खड़ा हूं। मैं अपनी तकरीर को खत्म करते हुए कल फिर जो है रात को मैं मुख्तलिफ शहर में गोलियां थी पूरी रात, मेरे और अनवार के आपस जाती मामलात की वजह से, तो मैं तो फेसबुक नहीं यूज करता हूँ, कोई सोशल मीडिया फोरम पर नहीं हूँ। मैंने चौधरी साहब को बताया, चौधरी साहब रात पूरी जो है वो लड़के मुझे फॉरवर्ड करते रहे हैं, वो कहते हैं कि अली और अनवार जो है ये दोनों जो है मिले हुए हैं, ये ड्रामाबाजी करते हैं कि हमारी आपस में बोलचाल नहीं है, ताकि लोग जो है वो एक के पास भी ना जाए और दूसरे के पास भी ना जाए। मेरे बहुत तमसाब थे आज यहां पे आने के लिए, और उसकी मैं किसी को गिला गुजारी नहीं करता, मेरा भाई अनवार जो है वो इस चीज का जिम्मेदार है, लेकिन इसकी इज्जत के लिए इसने मुझे हुक्म दिया, मैं यहां पे आ गया। मेरे भाइयों, ये जो चहमगोइयां चल रही हैं कि ये दोनों मिले हुए हैं, ये ड्रामा, ये झूठ है, मैं आप लोगों के सामने खड़ा होके ये बात दोबारा आपके सामने करना चाहता हूं। आज का दिन 4 नवंबर आप सब याद रखें, बार बार एक ही बात कलकलवी वालों को, ब्रेंग वालों को, जितने वफूद मेरे पास आए, चौधरी साहब के सारे जो दोस्त मेरे पास आए भाई हमारे, उनको मैंने बार बार एक बात बोली कि 4 तारीख के बाद सुबह जो है वो 5 तारीख है, ये ना कि आज आप मुझे तो बुला के कल जो है मैं फिर बोलता रहूं, फोन करो तो सुने ना, और ये लोग पहली बात कर रहे हैं कि ये सब ड्रामाबाजी है। मैं आपको अपनी बात इसके साथ मैं खत्म करता हूं कि अगर कल के बाद इसी तरीके से मेरे हल्के के जो आपके वोटर हैं, मैं भी आपका वोटर हूं, वाजा जुल्करनार खान भी आपका वोटर है, हम सब जिधर जो इधर बैठे जो साहब हम आपके वोटर हैं, इनकी महरूमियां जो है वो आपने और मैंने दूर करनी है। मैंने वादा किया था कि इलेक्शन के बाद मैं यहां पे बैठूंगा, आप मुजफ्फराबाद जाएंगे और मैं लोगों के काम करूंगा, लेकिन क्या मुझे वो इख्तियार दिया गया
ये सवाल का जवाब चौधरी साहब आपने देना है। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, खत्म कर पाऊंगा। चार तारीख खत्म होगी कल से, पांच तारीख आपने मुझसे वादा किया कि पूरा इख्तियार जो है वो हम लोगों को अपने काम के, मुझे पूरे आजाद कश्मीर से या पाकिस्तान से कोई गरज नहीं है, मुझे गरज है हल्का नंबर 7 से और इसकी आवाम से। इन लोगों के काम चौधरी साहब, इन लोगों के काम आपने और मैंने करने की जिम्मेदारी ली है और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने वादों की पासदारी करेंगे। मैं इसके साथ साथ आखिर में अपने भाई डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कलवी खावर का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आज वो यहां पे मौजूद नहीं है जर्मनी में। मैंने जितनी भी आपकी बात थी ठोक बजा के खावर भाई मैंने परिवार साहब से की है और आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आपका बड़ा भाई जो है यहां पे खड़ा हुआ है और वो जितने भी आप लोगों का भूख है उसके ऊपर इंशाल्लाह पूरी मजबूती से खड़ा भी होगा और बात भी करेगा। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।